है इंसान वही मैं हूँ, कूड़े से जो बिनता है सामान वही मैं हूँ, सीवर में खदानों में हर रोज उतरता है लेकर के हथेली पर जो जान वही मैं। राशन पानी सरकार दे उतना अगर बंद किया है तो उतना व्यवस्था करे, घर घर नाश्ता पहुँचाए, घर घर खाना पहुँचाए, हगने का वादा कर दिया है। ये मोदी है ना, मोदी किसी काम का नहीं है। ये GST लगा दिया, नोटबंदी किया, एक बैग कर दिया और ये लॉकडाउन कर दिया। इसको पहले सूचना देना चाहिए, चेतावनी देना चाहिए कितना दिन मैं बंद करूंगा, घर पे सब पब्लिक जाता अपने, किसी काम का नहीं है। इसको सरकार बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए उसने बंदी लगाया, सुरक्षा के लिए बंदी लगाया तो उतना व्यवस्था इसको पहले करना चाहिए, नहीं तो जितने अपने भारत की जनता है सबको घर पहुंचाना चाहिए कि मैं इतना दिन के लिए बंद करूंगा। अचानक में बंद कर देगा, आदमी भूखा मर जाएगा, गरीब आदमी किधर जाएगा? इसको मालूम है कि हमारे देश में कितने गरीब जनता है, खुद कुर्सी पे बैठा है, इसको मालूम पड़ रहा है मेरे जैसे दुनिया नहीं रहे, इसको कुछ मालूम है गरीब जनता मेरे देश में कितना गरीब है, कितना मजदूर है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, इसको क्या मालूम है? गद्दी पे बैठ के खाली चुनौती कर देता है कि बंद तो बंद, चालू तो चालू, खाली इसी का हुकूमत चलता है। तो हमारा मानना है कि मजदूरी और मजदूरों के बिना दुनिया में ना कुछ पैदा होता है, ना बनता है, ना दुनिया चलती है। मगर इस सच्चाई के बावजूद आप देख लीजिए कि आज मजदूरों का हमारे हुक्मरानों ने क्या हाल बना रखा है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। बाबा अधव और उनके साथियों ने महाराष्ट्र से हम सबको आवाहन किया है कि हम मजदूरों की को सेलिब्रेट करने के लिए और उनकी मांगों और जरूरत को हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए सुबह से रात तक उपवास रखें। तो आइए दोस्तों, हम मजदूरों को और उनके हितों को दिलों के पास रखें और उपवास रखें, और रमजान के इस मुबारक महीने में इस उपवास के मतलब कुछ और बढ़ जाएंगे। तो मजदूरों के संग एकता जिंदाबाद। मेरा नाम है आनंद पटवर्धन। आज हम सभी जानते हैं कि सरकार गरीब और मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। हम लोग लॉकडाउन में हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, जमा नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये तय किया गया है कि 1 मई को हम अपना खाना छोड़ दें और सरकार पे दबाव डालें कि वो अपना कर्तव्य पूरा करें, क्योंकि खाना गोदाम में सड़ रहा है मगर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।